कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार चर्चा में आए थे। इसके बाद वे वामपंथी विचारधारा वाले गैंग के सबसे बड़े हीरो बन गए, या हम कहें कि बना दिए गए। अब कन्हैया कुमार राजनीति में उतर चुके हैं। बेगूसराय से टिकट मिल चुका है। उनकी टीम, जिसे कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहते हैं, बेगूसराय पहुंच चुकी है और कन्हैया कुमार के वोट मांगने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। इस टीम के सबसे चर्चित चेहरा है जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश गुजरात से पहली बार विधायक चुने गए हैं और बिहार के बेगूसराय में डेरा डाले हुए हैं। कन्हैया कुमार को जिताने के लिए जिग्नेश मेवानी से जुड़ा एक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है, जिसमें वे गाड़ी में बैठकर सड़क के किनारे चल रहे हैं। लोगों से किस तरह कन्हैया को वोट देने के लिए कह रहे हैं, वो इन लोगों की दशा को देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं। आप सभी ने बचपन में किसी से कोई काम जबरदस्ती करवाने के लिए कसम तो जरूर दी होगी, लेकिन यहाँ जिग्नेश मेवानी घूम घूम कर लोगों से ये कह रहे हैं कि माँ की कसम है, वोट कन्हैया कुमार को ही देना, वो अच्छा आदमी है। को वोट दीजिए, मैं गुजरात से कहने के लिए आया हूँ, लेकिन वोट दीजिएगा कन्हैया कुमार को। वोट फॉर कन्हैया कुमार, अच्छा आदमी है, 3 साल से पहचानता हूँ माँ की कसम, वोट दीजिए। अब आप जरा सोचिए कि गुजरात से बिहार पहुंचे जिग्नेश मेवानी घूम घूम कर लोगों को माँ की कसम दे रहे हैं कि वोट कन्हैया को ही देना। वैसे जिग्नेश मेवानी तो कैंपेनिंग करने आए थे, लेकिन यहाँ तो वे माँ की कसम दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, सोचिए और समझिए। वैसे कन्हैया कुमार का मुकाबला बीजेपी के गिरिराज सिंह से है, जिन्हें नवादा से हटाकर बेगूसराय भेजा गया है। हालांकि इस पर गिरिराज सिंह ने नाराजगी भी जाहिर की थी। मुझे कहा, दादा आप जहां से चाहेंगे वहां से लड़ेंगे, और जो निर्णय लिया वो बिना मुझे कॉन्फिडेंस में लिए निर्णय लिया। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा था कि मेरी सीट बदलने से पहले प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जानकारी देना उचित नहीं समझा, ये मेरी नाराजगी की वजह है। हालांकि कुछ लोगों ने कुछ और ही समझ लिया था इसके बारे में। खैर, बेगूसराय सीट भूमिहार बाहुल्य मानी जाती है और गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार दोनों ही भूमिहार उम्मीदवार हैं। कन्हैया कुमार जो खून पसीना बहा रहे हैं और अपने पूरे गैंग को भी भिड़ा रखा है उन्होंने, लेकिन इन सब के बावजूद भी गिरिराज सिंह का पल्ला अभी भी भारी है। कई दिनों की टाल मटोल के बाद बिहार के महागठबंधन में लालू की पार्टी ने कन्हैया को सीट देने से इनकार कर दिया। सीपीआई कन्हैया के लिए टिकट मांगती रही, लेकिन तेजस्वी ने ऐसा होने नहीं दिया। आपको बता दें, तेजस्वी नहीं चाहते कि सीपीआई एक बार फिर बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, क्योंकि पार्टी के ज्यादातर वोट आरजेडी के खाते से ही कटेंगे। दूसरा, तेजस्वी नहीं चाहते कि बिहार से कोई काबिल वक्ता राष्ट्रीय स्तर पर चमके और भविष्य में उनसे ही मुकाबला करें। अब सीपीआई ने अपनी पार्टी से ही कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जिसके बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि बेगूसराय सीट, जो इस समय खूब चर्चाओं में है, ये किसके खाते में जाती है। गिरिराज सिंह जीतेंगे या कन्हैया कुमार, या फिर लालटेन की जलेगी बत्ती।